Hey guys, welcome back to CMA Junction. ये हमारी video series for financial accounting का 26th lecture है, जिसमें हम अपना chapter accounting for special transactions continue कर रहे हैं. Accounting for special transactions पर इससे पहले वाले lecture में हमने bill of exchange पूरा complete किया. आज हम consignment accounting start कर रहे हैं, जो कि accounting for special transactions का second topic है. ठीक है, consignment accounting के accounting को देखने से पहले समझना पड़ेगा हमें कि ये consignment accounting होता क्या है. कंसाइनमेंट अकाउंटिंग समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं. समझ लीजिए हमारे पास एक बिजनेसमैन है. ठीक है, समझ लीजिए मैन्युफैक्चरर है. मैन्युफैक्चरर के साथ साथ ये अपने प्रोडक्ट्स को खुद ही बेचता है. ठीक है, तो मैन्युफैक्चरर है ये, मैन्युफैक्चरर है ये हमारा ए, और ये उसकी फैक्ट्री है जहाँ पे ये मैन्युफैक्चर करता है. ठीक है, जहाँ पे ये मैन्युफैक्चर करता है ना, वहीं उसका एक स्टोर भी है और यहाँ से ये अपने गुड्स को बेचता भी है. ठीक है, यहाँ से गुड्स तो बेच लेता है, समझ लीजिए ये उसका है मुंबई में उसका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है और फैक्ट्री है उसकी, साथ साथ उसका स्टोर भी है. ये हमारा स्टोर और ये हमारी फैक्ट्री. ये यहाँ से प्रोड्यूस करके कि ये स्टोर से क्या करता है, सारे पब्लिक को ये प्रोडक्ट्स बेच देता है. अब इसने देखा कि यहाँ पे जो इसके जो भी पीपल्स हैं या फिर पब्लिक कस्टमर्स हैं, ये हैप्पी है इसके प्रोडक्ट से और बहुत खुश है, मतलब इनको इनका इसका प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है. अब ये क्या चाह रहा है, जो मिस्टर ए है वो चाहता है कि अभी अपना जो प्रोडक्ट है उसको आगे भी फैलाए. तो इसके पास दो ऑप्शंस आते हैं. क्या ऑप्शन? पहला ऑप्शन कि ये जहाँ जहाँ चाहता है हर जगह अपना स्टोर बनाए, हर जगह अपना स्टोर बनाए, स्टोर बना बना के अपने प्रोडक्ट्स को बेचे. ठीक है, पहला ऑप्शन. ऐसा करने से क्या होगा, ये करना अच्छी बात है, मस्त अपना स्टोर बनाएगा और बेचेगा सारे सामान, लेकिन इसमें क्या हो सकता है, इसमें इसका खर्चा बढ़ सकता है. कैसे? इसको अपना स्टोर को मेंटेन करना पड़ेगा, साथ साथ वहाँ पे एम्प्लॉयज रखने पड़ेंगे जो कि उसके प्रोडक्ट को सेल करेंगे. ठीक है, तो इसमें क्या हो सकता है, इसको ज़्यादा खर्चे हो सकते हैं. सामान को वहाँ भेजना है, वहाँ मेंटेन करना है, वहाँ के रेंट्स पे करना है, वहाँ के एम्प्लॉयज़ की सैलरी पे करनी है, फिर एम्प्लॉयज़ कुछ गड़बड़ भी कर सकते हैं. ठीक है, तो वो सब भी देखना पड़ेगा उसको. तो उन सारे केसेस में ये बहुत ज़्यादा उसके लिए हैक्टिक हो जाएगा. उससे अच्छा दूसरा ऑप्शन इसके पास बचता है, वो क्या करें, हर एक स्टेट में या फिर जहाँ जहाँ वो बेचना चाहता है वहाँ वहाँ पे अपने एजेंट्स रख ले. ठीक है, अपने एजेंट्स रख ले. ये एजेंट का काम है ये मेंटेन करें अपना स्टोर. इसके पास खुद का स्टोर है, वहाँ से अपने इसके पास स्टोर होगा तो वो वहाँ से मेंटेन करे और वहाँ से बेचे अपने प्रोडक्ट्स. ठीक है, जो ये मिस्टर ए दे रहा है वो प्रोडक्ट्स. दूसरे स्टेट में जाए, दूसरे स्टेट में एजेंट रखे, उस एजेंट को कुछ पैसे दे और एजेंट वो स्टोर मेंटेन करे. अगर ऐसा होगा चीज़ें तो उसके लिए ज़्यादा ईजी हो जाएगा, क्योंकि उसको सिर्फ कमीशन पे करना है इसको, बाकी काम इसका पूरा है. स्टोर मेंटेन करने से लेके सारी चीज़ें, सेलिंग, सब कुछ किसके ऊपर आ जाता है, पूरा एजेंट के ऊपर आ जाता है. मतलब इसका काम थोड़ा ईजी हो जाएगा इस कंपेयर टू उसको स्टोर मेंटेन करने से, क्योंकि अब इसको स्टोर का खर्चा कम भी पड़ेगा, क्योंकि ये एजेंट ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इसी पर्टिकुलर मिस्टर ए के लिए काम करे. ये एजेंट बना ही इसलिए क्योंकि ये बहुत सारे लोगों का काम कर रहा हो. ठीक है, तो इस एजेंट को और इस प्रिंसिपल को, इसको हमने प्रिंसिपल क्यों बोला, क्योंकि इसी के सामान है जिसको बेचे जा रहे हैं. ठीक है, तो ये जो प्रिंसिपल है उसको क्या बोला जाता है, इस प्रिंसिपल को हम बोलते हैं कंसाइनर. ठीक है, ये प्रिंसिपल हमारा क्या कहलाता है, कंसाइनर, और ये हमारा एजेंट क्या कहलाता है, कंसाइनी कहलाता है. ठीक है, अब ये कंसाइनी को प्रोडक्ट देगा, अपने सारे सामान देगा, और ये सामान को बेचने का काम किसका रहेगा, कंसाइनी का काम रहेगा. ठीक है, तो इसके ये क्या है, कंसाइनमेंट अकाउंटिंग, जिसके अंदर आप कंसाइनमेंट देते हैं, वो अपना काम कंप्लीट करता है, उसके हिसाब से उसको कमीशन दिया जाता है. ठीक है, कमीशन भी अलग अलग टाइप के होते हैं, क्या क्या कमीशन होते हैं वो हम आगे देखेंगे. सबसे पहले आई होप आपको कंसाइनमेंट अकाउंटिंग का इन शॉर्ट समझ आ गया कि कंसाइनमेंट अकाउंटिंग होता क्या है. आप एक एजेंट रखते हैं, समझ लीजिए एक नॉर्मल एजेंट की तरह. ठीक है, उसको अपना सामान देते हैं, वो आपके बदले में सामान बेचता है और उसके बदले आप उसको कमीशन देते हैं. ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, कमीशन और सेल. सेल और कमीशन में कुछ तो, सॉरी, सेल और कंसाइनमेंट में कुछ तो अंतर होगा. क्या अंतर है वो अंतर हम अभी देखने वाले हैं. ठीक है, आपको एज मैंने अभी कंसाइनमेंट समझाया है और सेल आपको पता होगा नॉर्मली सेल क्या होता है, तो उसमें कुछ तो डिफरेंसेस आपको खुद से ही पता चल गए होंगे, बाकी हम डिफरेंसेस अभी देखते हैं. सबसे पहला है बेसिस ऑफ डिफरेंस में प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी मतलब ओनरशिप, प्रॉपर्टी बोलिए या फिर ओनरशिप बोलिए, यहाँ पे
ओनरशिप किसकी बात की जा रही है? ओनरशिप ऑफ गुड्स, प्रॉपर्टी इन गुड्स या फिर ओनरशिप ऑफ गुड्स, ठीक है। जब सेल होता है, सेल में कौन कौन रहता है पहले ये ध्यान दीजिए। सेल में हमारा डायरेक्टली सेलर और बायर का क्या होता है, कॉन्टैक्ट होता है। तो सेलर अगर बायर को गुड्स बेच रहा है तो गुड्स बेचते टाइम क्या होता है, ओनरशिप ऑफ कॉस्ट सी बात है इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाती है। तो क्या लिखा है, प्रॉपर्टी इन गुड्स ट्रांसफर टू द बायर इमीडिएटली। तो जब आपने सेल किया तभी वो गुड्स की प्रॉपर्टी किसको ट्रांसफर हो गई, बायर को ट्रांसफर हो गई, ठीक है। लेकिन कंसाइनमेंट में क्या होता है, कंसाइनमेंट में कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स देता है बेचने के लिए, क्या इसमें ओनरशिप ट्रांसफर होती है? तो ध्यान दीजिए, जब भी कंसाइनमेंट होता है तो कंसाइनर क्या कर रहा है, अपने गुड्स इसको दे रहा है, कंसाइनमेंट में इसको गुड्स दे रहा है, मतलब ये इसको बेच नहीं रहा है, ये इसको गुड्स दे रहा है, तू मेरे बदले आगे बेच, ठीक है। तो इस केस में ये अपने गुड्स इसको दे रहा है, एज यहाँ पे हमने बोला चाहिए ओनरशिप नहीं जा रही है, पोजेशन जा रहा है, गुड्स के पोजेशन हम मिस्टर ए किसको ट्रांसफर कर रहा है, अपने एजेंट को या फिर कंसाइनी को ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रही है। गुड्स की ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी, कंसाइनर जब कंसाइनी को गुड्स देगा तब गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी। जब ये कंसाइनी अपने गुड्स स्टोर से बायर्स को बेचेगा, ठीक है, कस्टमर्स को बेचेगा, तब ये क्या होगी, ओनरशिप ट्रांसफर होगी फ्रॉम कंसाइनर टू बायर्स, ठीक है। यहाँ पे कंसाइनी सिर्फ एक इंटरमीडियरी का काम कर रहा है, यहाँ पे कंसाइनी गुड्स खरीदता नहीं है कंसाइनर से, वो सिर्फ उसके गुड्स को आगे बेचता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए रिस्क। रिस्क अब देखिए, ओनरशिप सेल में क्या हुआ, ओनरशिप हमारी ट्रांसफर हो गई, ओनरशिप किसको ट्रांसफर हो गई, बायर को। अब बायर को ओनरशिप ट्रांसफर हो गई तो ओनरशिप के साथ क्या होता है, जो रिस्क रहता है वो भी ट्रांसफर हो जाता है। अगर ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है तो रिस्क भी ट्रांसफर हो जाएगा। तो रिस्क अटैचिंग टू द गुड्स पासिस विद ओनरशिप टू द बायर। नेक्स्ट देखिए हमारा कंसाइनमेंट में क्या होता है, कंसाइनमेंट में गुड्स किसके पास जा रहे हैं, कंसाइनर से कंसाइनी के पास। यहाँ पे ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रही है इसलिए रिस्क भी ट्रांसफर नहीं होता है। रिस्क ट्रांसफर कब नहीं होता है, रिस्क ट्रांसफर तब नहीं होता है जब हमारा जो कंसाइनी है वो गुड्स की अच्छी तरीके से ध्यान रखा, और गुड्स में अगर कोई भी लॉस या डैमेज हुआ है तो वो उसकी गलती के कारण नहीं हुआ है, ठीक है। तो उसने पूरा ध्यान रखा फिर भी वो डैमेज हो गया, अगर ऐसा केस है तब कंसाइनर क्या बोलेगा, हाँ ठीक है मैं रिस्क बेयर करने के लिए तैयार हूँ। तो रिस्क अटैचिंग टू गुड डज नॉट पासेस टू कंसाइनी, कंसाइनी के पास पास नहीं होता है, जो कि सिर्फ एक एजेंट के तरह काम कर रहा है। अगर कोई भी डैमेज या लॉस हो रहा है गुड्स में तो वो कौन बेयर करता है, कंसाइनर बेयर करता है, प्रोवाइडेड कंसाइनी ने रीजनेबल केयर रखे थे गुड्स के, और साथ साथ डैमेज और लॉस जो भी हुआ है गुड्स को वो कंसाइनी के नेग्लिजेंस के कारण नहीं हुआ है, तब कंसाइनर रिस्क बेयर करने के लिए तैयार रहता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तैयार क्या, उसको तैयार होना ही पड़ेगा क्योंकि उस केस में कंसाइनी की कोई भी गलती नहीं है। नेक्स्ट रिलेशनशिप, रिलेशनशिप बायर एंड सेलर का कैसा रहता है, बायर एंड सेलर नॉर्मल रहता है, जो कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर गवर्न किया जाता है। रिलेशनशिप कंसाइनर और कंसाइनी का कैसा रहता है, प्रिंसिपल और एजेंट का रहता है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, एजेंट प्रिंसिपल और एजेंट का रहता है, जो कि कवर होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में, ठीक है। ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर कवर्ड है, ये आपका कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कवर है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर कवर्ड है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए रिटर्न। रिटर्न मतलब गुड्स रिटर्नेबल है कि नहीं। देखिए गुड्स सेल किए गए हैं, अगर सेल बेसिस में नॉर्मली आपने सेल किया, सेलर ने बायर को भेज दिए गुड्स, तो वो रिटर्न नॉर्मली नहीं होते हैं, बस अगर कभी कोई डिफेक्ट पाया गया उस गुड्स में तभी वो गुड्स को रिटर्न में लिया जाएगा, अदरवाइज वो गुड्स रिटर्नेबल नहीं होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके जो कंसाइनमेंट होते हैं, कंसाइनमेंट में क्या, कंसाइनी के पास गुड्स भेज दिए जाते हैं, गुड्स बेचे नहीं जाते। इसका मतलब है कि अगर कंसाइनी जब आगे गुड्स नहीं बेच पा रहा है और उसके पास कुछ गुड्स बच जाते हैं कंसाइनर के, तो वो उस समय उस गुड्स को रिटर्न कर सकता है, किसको, कंसाइनर को, ठीक है। अनसोल्ड गुड्स ऑन कंसाइनमेंट आर द प्रॉपर्टी ऑफ कंसाइनर, वो कंसाइनर की ही प्रॉपर्टी है, और एज कंसाइनी जो है उसको मार्केट में बेच नहीं पा रहा है, इसलिए वो गुड्स को रिटर्न किए जा सकते हैं, किसको, कंसाइनर को, ठीक है। अब इसके बाद कुछ मेन टर्म्स दिए हुए हैं कंसाइनमेंट के, वो मेन टर्म्स हम देख लेते हैं। सबसे पहला कंसाइनर, हमको समझ आ गया कंसाइनर कौन है, वो पर्सन जो कि गुड्स को मैन्युफैक्चर कर रहा है, ठीक है, या फिर वो होलसेलर है जो कि अपने गुड्स बेच रहा है, ठीक है। नेक्स्ट कंसाइनी कौन है, कंसाइनी एजेंट है जो कि सेलिंग का काम करेगा, गुड्स को बेचने का काम करेगा, किसके बिहाफ में, कंसाइनर के बिहाफ में। नेक्स्ट है प्रोफॉर्मा इनवॉइस, प्रोफॉर्मा इनवॉइस क्या है,
प्रोफॉर्मा इनवॉइसेस नाम हमको बता रहा है कि प्रोफॉर्मा इनवॉइस एक इनवॉइस नहीं है, बस एक नॉर्मली प्रोफॉर्मा तरीके का बनाया गया इनवॉइस, ठीक है। ये इनवॉइस क्यों बनाया जाता है, ये इनवॉइस कंसाइनर बनाता है, कंसाइनर बनाते हैं कंसाइनी को देने के लिए, ठीक है। अब प्रोडक्ट्स आपको क्या करने पड़ेंगे, कंसाइनर को अपने प्रोडक्ट्स कंसाइनी के पास भेजने पड़ेंगे, तो भेजते टाइम के लिए एक इनवॉइस बनाया जाता है नॉर्मली। ये ट्रेड इनवॉइस नहीं होता है, चूंकि एक्चुअल में इनवॉइस होता है वो ये नहीं होता, ये नॉर्मल इनवॉइस होता है जिसमें वो बताता है कि क्वांटिटी कितनी है, वैरायटी कितनी है, प्राइस ऑफ गुड्स कितना है, जो कि वो भेजा है किसको भेजा है, कंसाइनर को भेजा है, कंसाइनी को भेजा है, ठीक है। तो उस केस में नॉर्मल एज अ प्रोफॉर्मा इनवॉइस है, एक्चुअल इनवॉइस नहीं रहता है ये। नेक्स्ट आता है ओवरराइडिंग कमीशन। ओवरराइडिंग कमीशन मतलब ये है एक्स्ट्रा कमीशन। इसको समझने से पहले हम ऑर्डिनरी कमीशन को समझ लेते हैं। ऑर्डिनरी कमीशन मतलब, अब देखिए कंसाइनर का काम कंसाइनी कर रहा है, तो उस काम के लिए कंसाइनी ऑफकोर्स ये बात है फ्री में तो करने के लिए यहाँ नहीं बैठा है ना। अब क्या करेगा वो, उसके लिए कुछ अमाउंट चार्ज करेगा, तो उस अमाउंट को क्या बोला जाता है, कमीशन बोला जाता है नॉर्मली, ठीक है। ऑर्डिनरी कमीशन क्यों बोला गया है यहाँ पे, ये नॉर्मल कमीशन है। नॉर्मल कमीशन मतलब अब इसने सेल किया तो उसको कुछ तो देना पड़ेगा ना आपको पैसा, तो वो कैसे दिया जाता है, एज अ परसेंटेज ऑफ सेल, ठीक है। परसेंटेज ऑफ सेल ये पैसा आप उसको देते हैं, किसको, कंसाइनी को, किस लिए देते हैं, उसने सेल किया, आपका काम किया, उसके लिए आपने उसको पैसा दिया, तो जितना वो सेल करेगा उतना आप उसको परसेंटेज ऑफ सेल उसको दे देंगे पैसा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ओवरराइडिंग कमीशन क्या है। ओवरराइडिंग कमीशन मतलब इसके ऊपर कोई भी अगर कमीशन दिया जाता है उसको बोला जाएगा ओवरराइडिंग कमीशन, एक्स्ट्रा कमीशन, इसके ऊपर जो भी एक्स्ट्रा कमीशन दिया जाएगा। ये नॉर्मली किन रीजन से, तीन मेन रीजन के कारण ये एक्स्ट्रा कमीशन दिया जाता है। पहला तो जब एजेंट को हार्ड वर्क करना है किस चीज़ के लिए, एक नया प्रोडक्ट लेके आया है कौन, कंसाइनर, कंसाइनर चाहता है वो नया प्रोडक्ट कंसाइनी बेचे, तो उसके लिए उसको हार्ड वर्क करना पड़ेगा एज नया प्रोडक्ट है, तो उस केस में उसको ओवरराइडिंग कमीशन दिया जाता है। साथ साथ अगर एजेंट जो है, समझ लीजिए ये एक एजेंट है किसका, हमारा ये है कंसाइनर, ठीक है, इस कंसाइनर का ये एक एजेंट है, ठीक है। ये एजेंट जो है ये नॉर्मली कंसाइनर ने क्या बोला है, इसको गुड्स बेचने के लिए बोला है, साथ साथ एक और काम दिया है कि इस अपने नीचे तीन चार एजेंट्स को रखे, अपने नीचे तीन चार एजेंट्स को रखे और उनको क्या करे, उनको भी ये काम सिखाए, ठीक है। तो उसको क्या करेगा, ये काम सिखाने का पैसा देगा, तो ये सेल का क्या देगा, जितना उतना उसने सेल किया वो ऑर्डिनरी कमीशन में देगा, ठीक है, एज अ परसेंटेज ऑफ सेल। उसके ऊपर ओवरराइडिंग कमीशन वो किस चीज के लिए दे रहा है, वो दूसरे एजेंट को भी काम सिखा रहा है, इसलिए उसको ओवरराइडिंग कमीशन दिया गया है, ठीक है। दो चीजें मैंने बना दी, एक तो नया प्रोडक्ट लाया तब उसको ओवरराइडिंग कमीशन देगा, दूसरा वो दूसरे एजेंट्स को सिखा रहा है काम तब उसको ओवरराइडिंग कमीशन दिया जाएगा। और या फिर ये जो प्रोडक्ट है, समझ लीजिए 100 रुपए का प्रोडक्ट था, 100 रुपए में बेचना था, कंसाइनर ने कंसाइनी को बोला था तुमको ये प्रोडक्ट 100 रुपए में बेचना है, अगर यही प्रोडक्ट को ये एजेंट ने क्या किया, 120 रुपए में बेच दिया, मतलब क्या किया इसने, इसने कंसाइनर का फायदा कराया। अब कंसाइनर का फायदा कराया है तो कंसाइनी का भी कुछ फायदा होना चाहिए, नहीं तो वो क्या करेगा, ये 20 रुपए जो एक्स्ट्रा है वो अपने पास रख लेगा, उसको क्यों देगा भाई, है ना। इसीलिए आज उसने ज्यादा में उसको बेच के उसका फायदा कराया है, तो इसके लिए भी कंसाइनर क्या करेगा, उसको ओवरराइडिंग कमीशन देगा, एक्स्ट्रा कमीशन देगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए डेल क्रेडर कमीशन। हमने देखा पहले ऑर्डिनरी, दूसरा हमने ओवरराइडिंग देखा, तीसरा देखिए डेल क्रेडर। डेल क्रेडर क्या है, देखिए ऐसा तो नहीं है ना कि हमारा जो कंसाइनी है वो जो सामान बेचेगा सारा कैश में ही बेचेगा, ऐसा तो होता ही नहीं है, है ना। कुछ ऐसे भी कस्टमर्स होते हैं जो कि क्रेडिट में सामान खरीदते हैं। अब ये डेल क्रेडिट कमीशन क्या होता है, क्रेडिट में जब सामान बेचा, किसने बेचा, हमारे कंसाइनी ने सामान बेचा क्रेडिट में, किसको बेचा, कस्टमर को बेचा, ठीक है। जब इसने ये बेचा तो अब समझ लीजिए 100 रुपए का सामान था, ठीक है, क्रेडिटर ने या फिर कस्टमर ने क्या बोला, कस्टमर ने बोला कि मैं ये पैसा 2 महीने बाद आपको दे दूंगा, ठीक है। 2 महीने बीत गए अभी तक पैसा मिला ही नहीं, किसका नुकसान हो रहा है, क्या यहाँ कुछ भी नुकसान कंसाइनी का हो रहा है, कंसाइनी का यहाँ पे कोई भी नुकसान नहीं हो रहा है, क्योंकि उसको क्या लेना देना, वो तो बोल देगा कि आपका क्रेडिटर ही पेमेंट, सॉरी आपका कस्टमर ही पेमेंट नहीं दे रहा है, मैं क्या करूँ, ऐसा बोल देगा कंसाइनर को, तो नुकसान किसका होने वाला है, कंसाइनर का नुकसान होने वाला है। अब कंसाइनर क्या चाहता है, मैं ये नुकसान झेलना ही नहीं चाहता, कंसाइनर को ये नुकसान बेयर ही नहीं करना है, उसको ये टेंशन लेनी नहीं कि कोई पैसा देगा नहीं तो मैं क्या करूँगा, ठीक है। तो वो क्या करेगा, ये जो कंसाइनी है हमारा उसको एक्स्ट्रा कमीशन देगा, उसको एक्स्ट्रा कमीशन देगा और बोलेगा अब देखो जो भी तुम्हारे पास डेटर आए, जो भी ऐसे पर्सन आए जो कि तुमसे क्रेडिट में सामान खरीदे,
उनका सारा व्यय तुम करोगे। मतलब अगर ये 100 रुपए का सामान उसने खरीदा और पैसे नहीं दिए तो उसका जो भी लॉस होगा वो सब तुम बेयर करोगे, मैं कुछ भी बेयर नहीं करूंगा। तो ये बोलेगा मैं क्यों मानूं भाई, मैं आपको सामान बेच के दे रहा हूँ ना। तो आपका कंसाइनर क्या बोलेगा, मैं तुमको इसके बदले कमीशन दूंगा, डेल क्रेडिटर कमीशन, एक्स्ट्रा कमीशन दूंगा। तो क्या होगा, ये जो कंसाइनी है वो मान जाएगा, क्योंकि उसको भी उसके बदले क्या मिलने वाला है, कमीशन मिलने वाला है। मतलब एज उसको कमीशन मिलेगा, इसलिए क्रेडिटर से क्या सॉरी डेटर से क्या करेगा, उनको बोलेगा जल्दी पैसे दो, मेरे पैसे हैं। ठीक है, उसके लिए वो उनके पास जाके बोलेगा भी। अगर ऐसा होता कि उसको कोई मतलब ही नहीं होता तो उस टाइम पर वो जाके उनको बोलता भी नहीं, उसको क्या लेना देना है। ठीक है, तो इसलिए डेल क्रेडिटर कमीशन लाया गया। डेल क्रेडिटर कमीशन कौन देता है, कंसाइनर कंसाइनी को देता है। क्यों देता है, ताकि जो भी डेटर आए, जो भी बेड डेट्स आए, जो भी लॉसेस आए डेटर्स के कारण, वो सारा कौन बेयर करे, कंसाइनी। कंसाइनर को बस पूरे पैसे मिलने चाहिए जितने का उसने प्रोडक्ट बेचा है। ठीक है, नेक्स्ट है अकाउंट सेल्स। अकाउंट सेल्स क्या है, अकाउंट सेल्स मतलब यहाँ पे प्रोफॉर्मा इनवॉइस कौन भेजता है, प्रोफॉर्मा इनवॉइस भेजता है कंसाइनर भेजता है टू कंसाइनी। ठीक है, क्यों भेजता है, इसमें सारी डिटेल्स वो लिख के भेजता है, जब वो अपना सामान भेजता है उसके साथ ये सारी चीजें भेजता है। अकाउंट सेल्स क्या होता है, अब देखिए कंसाइनी जो है प्रोडक्ट्स बेच रहा है, कंसाइनी प्रोडक्ट्स बेच रहा है तो कंसाइनी को क्या करना पड़ेगा, उसका डिटेल देना पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा, कंसाइनर को। तो वो अकाउंट सेल्स के जरिए उसको डिटेल्स देता है कि मैंने कितने प्रोडक्ट्स बेचे, कितनी क्वांटिटी के बेचे, कौन से टाइप वाले प्रोडक्ट्स बेचे और कितने प्राइस में बेचे। ये सारा डिटेल वो किस में देगा, अकाउंट सेल्स में देगा उसको। ठीक है, तो सारा में जो भी डिटेल है, जैसे कि कितने उसने एक्सपेंसेस किए, कितना उसका कमीशन ड्यू है, कितने गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए, कितने गुड्स उसके गोडाउन में पड़े हैं, ठीक है, कितना एडवांस उसको, कितना एडवांस उसने दिया है आपको, मतलब कंसाइनर को, ये सारा डिटेल वो किस में लिख के देगा, अकाउंट सेल्स में लिख के देगा, जो कि पीरियोडिकल वो किसको भेजेगा, पीरियोडिकली वो अपने कंसाइनर को भेजेगा। आई होप ये सारी चीजें अच्छे से क्लियर हुई हूँ। मेन टर्म्स ऑफ कंसाइनमेंट अच्छे से समझना जरूरी है क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ कंसाइनमेंट अरेंजमेंट। कंसाइनमेंट अरेंजमेंट का ऑपरेटिंग साइकिल मतलब ये, इसमें क्या क्या चीज़ें होती है, नॉर्मली ये सारी चीज़ें यहाँ पे कवर है। सबसे पहले गुड्स भेजे जाते हैं, कंसाइनर भेजता है कंसाइनी को गुड्स। ठीक है, गुड्स भेजने के बाद कंसाइनी मे पे सम एडवांस और एक्सेप्ट अ बिल ऑफ एक्सचेंज। ये क्या हो रहा है, हमने कहीं देखा क्या, हमने जो ये समझा था यहाँ पे, हमने देखा क्या एजेंट कभी स्टार्टिंग में इसको पैसे पे कर रहा है, हमने ऐसा नहीं देखा। लेकिन ये क्यों लाया गया, इसको समझिए ध्यान से। मिस्टर ए है, इसने अपने प्रोडक्ट्स एजेंट को दे दिए, कंसाइनर को दे, कंसाइनी को दे दिए कि तुम मेरे प्रोडक्ट्स को बेच देना। ठीक है, कितने के प्रोडक्ट दे दिए, समझ लीजिए 10,000 रुपए के पूरे प्रोडक्ट्स इसने इसको दे दिए। ठीक है, 10,000 रुपए के प्रोडक्ट्स इसको दे दिए। अब क्या भरोसा है कि ये जो कंसाइनी है वो इसके प्रोडक्ट्स को लेके भाग नहीं जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि इसने इससे प्रोडक्ट ले लिया, हाँ मैं आपके प्रोडक्ट बेच दूंगा, अच्छे से बेचूंगा, देखना आपके सारे प्रोडक्ट्स बिक जाएंगे, ऐसे ऐसे बोल के इसको फंसा लिया अपने जाल में। और बाद में क्या किया, ये जो 10,000 के प्रोडक्ट्स थे इसको लेके भाग गया, अब इसका कोई भी पता नहीं है। तो ये जो मिस्टर ए है वो तो पूरी तरीके से लूट जाएगा, इसके पूरे 10,000 रुपए डूब गए एक बार में। तो इसके लिए क्या किया जाता है, ये मिस्टर ए क्या बोलेगा एजेंट को, कंसाइनी को, क्या बोलेगा कि तुमको मैं 10,000 रुपए के प्रोडक्ट दे रहा हूँ, उसके बदले तुमको मेरे को एडवांस देना पड़ेगा, या फिर तुम मेरे लिए मेरे साथ बिल ऑफ एक्सचेंज बनाओ, या कोई भी हमारे पास एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए, या कुछ भी पैसे मेरे पास होने चाहिए। ठीक है, जिससे अगर तुम ये पैसे 10,000 रुपए के गुड्स लेके भाग भी जाओ तो मेरे को पूरा नुकसान तो नहीं हो कम से कम। ठीक है, तो उसके लिए लोग क्या बनाते हैं, एडवांस में एजेंट से या फिर कंसाइनी से कौन पैसे लेता है, कंसाइनर पैसे लेता है, एज अ बिल ऑफ एक्सचेंज लेता है, या फिर एडवांस में वो डायरेक्ट अमाउंट भी ले सकता है। ठीक है, तो कंसाइनी मे पे सम एडवांस और एक्सेप्ट अ बिल ऑफ एक्सचेंज। कंसाइनी विल इनकर एक्सपेंसेस फॉर सेलिंग द गुड्स। कुछ एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं जो कि कंसाइनी इनकर करे, जैसे उसको गोडाउन का खर्चा पे करना पड़ेगा, कंसाइनी भी ऑफकोर्स ही बात है उसको भी खर्चे लगेंगे। ठीक है, उसको अपने पास एम्प्लॉइज रखने पड़ रहे हैं, उसका खर्चा हो रहा है, उसको गुड्स को मेंटेन करने का खर्चा हो रहा है। तो ये जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो कंसाइनी इनकर करेगा, तो कंसाइनी जो भी एक्सपेंसेस इनकर किया उसका यहाँ पे आपको डिटेल आएगा। फिर उसके बाद कंसाइनी रिकॉर्ड्स मेंटेन करेगा सारे कैश और क्रेडिट सेल के। इसके बाद कंसाइनी एक समरी प्रिपेयर करेगा जिसको हम अकाउंट सेल्स बोलेंगे। ठीक है, और ये किसको भेजेगा, वो कंसाइनर को भेजेगा। कंसाइनर कुछ अमाउंट ऑफ कमीशन पे करेगा किसको, कंसाइनी को। समटाइम्स ऐसा भी हो सकता है कि कंसाइनी में सेंड द गुड्स एट अ प्राइस हायर देन, सेल्स द गुड्स एट अ प्राइस हायर देन कॉस्ट, सो दैट द कंसाइनी गेट्स नो नॉलेज ऑफ द रियल कॉस्ट ऑफ गुड्स। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे समझिए, कंसाइनर है, ठीक है, कंसाइनर के पास ये जो गुड्स हैं समझ लीजिए उसका कॉस्ट उसको पड़ा 80 रुपीज़। ठीक है,
ये नॉर्मली 80 रुपीज का कॉस्ट पड़ा, ठीक है। अब अगर ये डायरेक्ट इसको एजेंट को दे रहा है तो बोल रहा है 80 रुपीज का कॉस्ट है, तुमको 100 रुपीज में बेचना है, ठीक है, ऐसा बोल के वो उसको दे रहा है, ठीक है, एजेंट को दिया। जब कंसाइनर ऐसा भी कर सकता है कि इस 80 रुपीज के प्रोडक्ट को वो 100 रुपीज का बना दे और इसको बोले कि तुमको 120 में बेचना है, ठीक है, 100 रुपीज मेरी कॉस्ट है, तुमको 120 में बेचना है, वो ऐसा भी कर सकता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेगा कंसाइनर, उसको बताएगा नहीं कंसाइनी को कि मैंने एक्स्ट्रा पैसे ऐड किए हैं, वो सिर्फ किसके रहेंगे, किसके पास रहेंगे, वो सिर्फ कंसाइनर अपने पास ही रखेगा। समटाइम्स क्या होता है, कंसाइनर गुड्स बेचेगा एट अ प्राइस हायर देन कॉस्ट सो दैट कंसाइनी गेट्स नो नॉलेज ऑफ द रियल कॉस्ट, रियल कॉस्ट का कंसाइनी को कुछ भी पता ना चले, चूंकि कॉन्फिडेंशियल रहेगा किसके पास, कंसाइनर के पास, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास आती है एंट्रीज, जो कि बुक्स में पास होंगी, किसके बुक्स में, कंसाइनर के और साथ साथ कंसाइनी के बुक में। कंसाइनर कौन है, हमारा प्रिंसिपल है जो कि प्रोडक्ट्स को भेजेगा किसके पास, कंसाइनी के पास। कंसाइनी कौन है, एजेंट है जो कि प्रोडक्ट्स को बेचेगा इन बिहाफ ऑफ कंसाइनर, ठीक है। सबसे पहला है ऑन सेंडिंग गुड्स, मतलब जब गुड्स भेजे जा रहे थे कंसाइनर के पास से कंसाइनी के पास, उसमें क्या एंट्री होगी। इन एंट्रीज को समझने से पहले एक और चीज आप समझ लीजिए, हमारा जो कंसाइनर है और हमारा जो कंसाइनी है, ठीक है, वो दोनों अपनी अलग अलग बुक्स बनाएंगे। कंसाइनर अपनी बुक्स अलग बनाएगा, कंसाइनी अपनी बुक्स अलग बनाएगा। साथ साथ ऐसा भी हो सकता, क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि कंसाइनर के पास भी कोई, इस समझ लीजिए ये कंसाइनर है हमारा, ठीक है, ये कंसाइनर अपनी अलग बुक बनाएगा। क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि ये कंसाइनर के पास हजारों एजेंट्स हो सकते हैं उसके नीचे काम करने वाले, मतलब उसको एक ही स्टेट में तो नहीं बेचना है ना, उसको अलग अलग स्टेट्स में बेचना है, तो उसको हर एक का बनाना है, इसलिए वो क्या करेगा, अपनी अलग बुक्स बनाएगा। और ये एजेंट भी अपनी अलग बुक बनाएगा। ऐसा क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि इसके पास भी हजारों कंसाइनर हो सकते हैं जिनसे ये ट्रांजेक्शन्स करता हो, ठीक है, तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, अपनी अलग बुक्स बनानी पड़ेगी, ठीक। और ये भी साथ साथ ध्यान रखेगा कि हर एक को, मतलब ये कंसाइनर है तो अलग अलग कंसाइनमेंट का और अलग अलग कंसाइनी का इसको अलग अलग अकाउंट बनाना है। मतलब समझ लीजिए ए है, बी है, सी है, डी है, इतने सारे कंसाइनी इसके पास, ए का अलग अकाउंट बनाएगा, बी का अलग अकाउंट बनाएगा, सी का अलग बनाएगा, डी का अलग बनाएगा। साथ साथ इन दोनों के बीच जो भी कंसाइनमेंट का एक्सपेंसेस खर्चा जो भी आ रहा है उसका एक अलग कंसाइनमेंट अकाउंट बनाएगा, इनके बीच का अलग बनाएगा, कंसाइनर और बी के बीच का, कंसाइनर और सी के बीच का, कंसाइनर और डी के बीच का अलग बनाएगा, ठीक है। तो हर एक चीज को आपको अलग रखना पड़ेगा। यहाँ पे नॉर्मली आपके कंसाइनर के ये अकाउंट्स क्यों बनाए जाते हैं, नॉर्मली कंसाइनमेंट के लिए आपको अकाउंट बनाना इसलिए ज़रूरी है ताकि आप जान सके कि आपके कंसाइनमेंट से कितना प्रॉफिट हुआ, कंसाइनमेंट से कितना लॉस हुआ, और कंसाइनी को फाइनल सेटलमेंट के लिए आपको कितने पैसे दे रहे हैं। अगर आप ये अकाउंट्स नहीं बनाते हैं कंसाइनमेंट, तो आपको पता ही नहीं चलेगा आपने कितने का ट्रांजेक्शन किया, आपको कितने पैसे देना है, क्योंकि सेल में तो सेल अगर आप लिख रहे हैं, नॉर्मली सेल में आप तभी लिखेंगे जब आपके सेल्स हो जाएंगे। सेल कब होंगे, जब कंसाइनी गुड्स को बेचेगा तब सेल होंगे, ठीक है। तो जब तक आप एंट्रीज को रिकॉर्ड ही नहीं कर पाएंगे, अगर आपको रिकॉर्ड करना है तो उसके लिए आपको अलग से कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये नॉर्मली बैंक और कैश और कंसाइनमेंट की ही जरूरत पड़ती है इसमें, कंसाइनमेंट और कंसाइनी। अगर कंसाइनी के बुक में बन रहा है तो बैंक, कैश, कंसाइनमेंट अकाउंट और कंसाइनी अकाउंट, इतने की ही जरूरत पड़ती है। और अगर आप और दो चार छोटे मोटे अकाउंट्स की, ठीक है, आपको हर एक का अकाउंट नहीं बनाना है। जैसे एक्सपेंस क्या समझ लीजिए, एक्सपेंस किया रेंट पे किया, ठीक है, रेंट पे किया, तो रेंट अकाउंट नहीं बनता इसमें एक्सपेंस करके दूसरा अकाउंट बनता है, जो कि हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे, तब आपको ये पता चलेगा कि ये रेंट को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है। मतलब कोई भी एक्सपेंस हो रहा है तो उसको कंसाइनमेंट में कैसे रिकॉर्ड किया जाता है। कंसाइनमेंट एक शॉर्ट रिकॉर्डिंग की जाती है जिसमें कितने से कितना कम किया जा सके उतना कम में इसको रिकॉर्ड किया जाता है। मतलब ज़्यादा अकाउंट्स को इसमें इन्वॉल्व नहीं किया जा सकता, ठीक है, छोटे से छोटा अकाउंट बनता है ये, कितने कम हम अकाउंट्स लेजर्स रिकॉर्ड कर सकते हैं उतना कम इसमें रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ हो। पूरा थ्योरी पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया, मैंने आपको बता दिया हम एंट्रीज कवर करेंगे इसके बाद, तो एंट्रीज हम अगली क्लास में कवर करते हैं। आज हमारी आज के क्लास का टाइम पूरा कंप्लीट हो चुका है, सो ये जो एंट्रीज है वो हम अगली क्लास में देखेंगे। आज की क्लास हम यही एंड करते हैं। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट बेल आइकन टू गेट मोर अपडेट्स। सो दैट्स इट, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।